हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली फिर मैं एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ आ चुका हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, सैमसंग का A55 हो चुका है ऑलरेडी लॉन्च, तो उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे और उसके बारे में सारा कुछ डिटेल्स हम लोग बताएंगे, उसका प्राइस भी बताएंगे, उसका प्राइस कितना चल रहा है, अभी कितना कम प्राइस हुआ है और कैसा मोबाइल दिखने में लगता है, क्या क्या उसमें और फंक्शन दिया गया, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल समझेंगे। चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं हमारे पास गैलेक्सी सैमसंग A55 5G आ चुका है। तो ये कुछ इस तरीके का डब्बा, इसका बॉक्स पैकिंग है, आपको दुबई का इधर आपको रजिस्टर हुआ किया हुआ मिल जाएगा, इंटरनेशनल आपको वारंटी मिल जाएगा अगर आप दुबई से लेते हैं। तो इसमें आपको 8GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम, 128 मेमोरी और 256 भी आपको इसमें मिल जाएगा, वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए पहले इसका दिखाते हैं आपको देखने में कैसा ये मोबाइल है। तो ये रहा मोबाइल, मोबाइल नहीं ये, ये है डम्मी। तो डम्मी से आपको दिखा रहा हूँ कि मोबाइल कैसा दिखने में लगता है। तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा मोबाइल, पूरा पीछे में आपको ग्लास बॉडी मिल जाता है और 3 कैमरा आपको मिल जाएगा और साइड में इधर आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगा। आपको टाइप सी इसमें चार्जर मिलता है, टाइप सी चार्जर लगाने के लिए आपको केबल मिल जाएगा और नीचे में आपको स्पीकर मिल जाएगा। इसका जो फिंगरप्रिंट है, आपको फिंगरप्रिंट इसका डिस्प्ले पे मिलेगा। इसमें आपको 5000 भी बैटरी भी मिलती है। इसका जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल कैमरा, इसका फ्रंट कैमरा तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका कैमरा परफॉर्मेंस है और इसका जो बैक कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल कैमरा है। और इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा फंक्शन भी दिया गया है, आप अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो बॉडी जो बनाया है, काफ़ी ज़्यादा शानदार बॉडी बनाया, काफ़ी खूबसूरत फ़ोन देखने में भी लग रहा है। इसमें आपको ना अलग अलग कलर भी मिल जाएगा, इसमें हमारे पास जो कलर है ये वाइट कलर है, इसमें ब्लू कलर मिलेगा आपको, येलो कलर मिलेगा, ब्लू कलर, ब्लैक कलर मिलेगा आपको, कोई भी कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब इसकी प्राइस की बात किया जाए तो इसकी प्राइस कितना है, तो दुबई में इसका प्राइस है 1250 दरहम और इंडिया में इसका क्या प्राइस होगा आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इंडिया में इसका क्या प्राइस होगा। हालांकि इंडिया में प्राइस इसका ज़्यादा महंगा होगा, इंडिया में क्योंकि टैक्स ज़्यादा है इसीलिए प्राइस ज़्यादा होता है और दुबई में आपको टैक्स कम लगता है, तो दुबई में आपको टैक्स कम में मिलेगा, मतलब इसका प्राइस कम में ही मिलेगा। तो अगर आपका कोई रिलेटिव दुबई में रहता है तो आप लोग दुबई से भी मंगा सकते हैं इस मॉडल को, इस मोबाइल को। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोबाइल है और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है और ज़्यादा भी सेल भी ये मोबाइल हो रहा है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।